दोस्त, दुनिया में से 6 लाख वायरस खोजे गए हैं जो जानवर से इंसान के शरीर में आते हैं। ये दुश्मन आंखों से नहीं दिखता है, पर यह आपके शरीर पर सीधा जानलेवा अटैक करता है, इसलिए इंसान इसके आगे हमेशा झुका हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिस पे वायरस इफेक्ट नहीं करता है, और ये हर जगह पाया जाता है। ऐसे आपको मैं 10 वायरस बताने वाला हूँ जो दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस है। इनमें इतनी ताकत होती है कि ये दुनिया खत्म कर सकते हैं। वायरस नंबर 1, रोटा वायरस। इस वायरस को चाइल्ड किलर भी कहा जाता है। 608 उम्र के बच्चों में ये खतरनाक डायरिया फैलाता है। संक्रमक होने के कारण ये बच्चों में ज़्यादा तेजी से फैलता है। उल्टी होना, बुखार, पेट में दर्द और उसके साथ कमजोरी, ऐसे कुछ इसके लक्षण होते हैं। वायरस नंबर 2, मारबर्ग वायरस। इस वायरस का पता 1967 में लगा। जर्मनी के एक प्रयोगशाला में ये वायरस लीक हो गया और इससे कुछ लोग बीमार हो गए। ये बंदरों में से इंसान में आया था। इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, इसलिए ये काफ़ी खतरनाक है। तेज बुखार और अंदर के आंगों से खून बाहर आना और शरीर का काम करना बंद कर देता है, और इसके कुछ 5-6 दिन के बाद इंसान की मौत हो जाती है। वायरस नंबर 3, रेबीज वायरस। इस वायरस का पता 1920 में चला था। ये वायरस पालतू जानवरों द्वारा, मतलब कुत्ता, बिल्ली, इनके काटने से इंसान के शरीर में आता है। विकसित देशों में इसके मामले काफ़ी कम है, लेकिन भारत और अफ्रीका में इसके मामले बहुत ज़्यादा। इससे हजारों लोग मरते हैं। हाइड्रोफोबिया नामक विषाणु से फैलने वाला एक बहुत ही खतरनाक रोग है। ये हवा में बहुत तेजी से फैलता है। सिर दर्द, तेज बुखार, गले में खराबी, ऐसे कुछ लक्षण इस मरीज में दिखते हैं। वायरस नंबर 4, चेचक वायरस यानी स्मॉल पॉक्स। इस वायरस ने दुनिया में अभी तक 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जान ली है, इसलिए वायरस काफ़ी खतरनाक वायरस है। संक्रमित व्यक्ति 3 से 4 लोगों को संक्रमित कर सकता है। एक हवा में काफ़ी तेजी से फैलने के कारण ये काफ़ी खतरनाक था। मतलब इसका ये है कि ये अभी दुनिया से वैक्सीन के जरिए पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। वायरस नंबर 5, पीत ज्वर। इसे आम भाषा में एलो फीवर भी कहा जाता है। ये मच्छरों के काटने से शरीर में फैलता है। इससे अमेरिका और अफ्रीका में इसके ज़्यादा मरीज होते हैं। बुखार होना, उल्टी होना, पीट दर्द, ऐसे कुछ लक्षण मरीज में दिखते हैं। इसका कोई इलाज न होने के कारण दुनिया भर में 60,000 लोगों की मौत इस पीत ज्वर से होती है। वायरस नंबर 6, डेंगू वायरस। ये मच्छरों के काटने से फैलता है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को शमशान पहुँचा दिया है। जिस इंसान को ये वायरस दोबारा जकड़ लेता है, वो शायद ही बच पाता है। हड्डी तोड़, ऐसा भी इस वायरस को कहा जाता है, क्योंकि जो इस इंसान को ये बीमारी होती है, उसे लगता है कि मेरे शरीर की पूरी हड्डियाँ टूट गई हो। अगर समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मरीज मर भी सकता है। वायरस नंबर 7, मिजल्स वायरस। इसे आम भाषा में खसरा रोग भी कहा जाता है। ये संक्रमित व्यक्ति के सांस से पूरी हवा में फैल जाता है। 90% लोग जिनकी प्रतिकारक शक्ति कम होती है, वो इसके चपेट में जल्दी से आ जाते हैं। मिजल्स वायरस ने 150 साल में 20 करोड़ लोगों की जान ली है। संक्रमित व्यक्ति 12 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर ये टाइम पे इसका इलाज नहीं किया गया तो आदमी को सीधा शमशान जाना पड़ेगा। वायरस नंबर 8, फ्लू। फ्लू एक सांस की बीमारी है। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस इंसान के गले और फेफड़ों को संक्रमित करता है। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़, कैंसर, ऐसी बीमारियाँ होती है, इन व्यक्तियों को ये वायरस जल्दी से जकड़ लेता है। मांसपेशियों में दर्द होना, थकान, खांसी, गले में खराश, ऐसे कुछ लक्षण इस बीमारी में दिखते हैं। वायरस नंबर 9, हेपेटाइटिस बी। इसमें सबसे ज़्यादा लीवर पर अटैक होता है, इसलिए दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारियों में गिनी जाती है, जिससे लीवर कैंसर और लीवर डैमेज हो जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। और पूरी दुनिया में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसका शिकार हुए और 7 लाख लोग हर साल इससे मरते हैं। ये इतना खतरनाक है कि जिस व्यक्ति को भी होता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके लीवर पर धीरे धीरे ये वायरस अटैक कर रहा है। वायरस नंबर 10, इबोला वायरस। इस वायरस का पता 2014 में चला। इसका पहला शिकार एक बच्चा था, जो 2013 में एक गिनी देश के छोटे से गांव में मिला, पर 3 महीने बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैली कि 5 देश इसके चपेट में आ गए और पूरी दुनिया में 1,000 लोगों की मौत हो गई। ये वायरस
बंदर, हिरन, चमगादड़ इन जानवरों से इंसान के शरीर में आया है। बुखार, कमजोरी, गले में खराश ऐसे कुछ लक्षण बीमार व्यक्ति में दिखते जिसका आज तक कोई इलाज नहीं खोजा गया है। दोस्तों, मेरे वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाने के लिए ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेक केयर, गुड बाय।